प्रदेश सरकार की पर्यावरण को बचाने के लिए एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत हमीरपुर जिला में बेहतर काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत जहां जहां परिवार में कन्याएं पैदा हो रही हैं, उस परिवार को 5 पौधे देने के साथ बम्बू गार्ड, 10 किलो खाद का पैकेट के अलावा पौधों में अर्जुन, आंवला, हर बेहरा, गुलमोहर का पौधा दिया जा रहा है। हमीरपुर जिला में अभी तक 2500 कन्याओं के माध्यम से पौधारोपण किया जा चुका है। हालांकि कई जगहों पर पौधों के नामकरण भी कन्या के नाम पर ही किया जा रहे हैं और पौधारोपण करने वाले परिवारजन भी इस योजना से खासे उत्साहित हैं और सरकार की इस मुहिम का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस योजना के तहत बेटी के नाम पौधा लगाया जा रहा है, जो कि बढ़िया कदम है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस योजना की तरह अन्य योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जाए ताकि पर्यावरण सुरक्षित हो सके। वहीं वन अरण्यपाल हमीरपुर अनिल जोशी ने बताया कि हमीरपुर जिला में अब तक योजना के तहत 2500 कन्याओं के नाम पर पौधे लगाए जा चुके हैं और ये योजना हरियाली के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए अच्छी है, जिस पर वन विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पूरे हिमाचल को हरा भरा करना है और इसके तहत जो है कन्याओं को, उनके परिवार को एक सम्मान देना है। हरियाली को जोड़ा गया है कन्या से। अगर हमें हरियाली कहीं नज़र आए तो हमें लगे कि ये एक कन्या का एक रूप है। और 20 सितंबर से ये पूरे हिमाचल प्रदेश में योजना शुरू हुई थी। जहाँ तक हमारा हमीरपुर का सवाल है, लगभग हमने 2500 लाभार्थी इसमें चिन्हित किए थे, कन्याएं चिन्हित की थी जून तक। और ये प्लांटेशन चल रहा है, जहाँ जहाँ फील्ड में जो जो एरियाज हैं जहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पर पूरे सामान्य तरीके से उस परिवार को इस अभियान में जोड़ा जा रहा है। और एक कन्या के लिए जो है 5 पौधे जो है उस परिवार के माध्यम से लगाए जा रहे हैं और वन विभाग सरकार जो है उन्हें सपोर्ट कर रही है। उसके लिए जो किट्स हैं, एक जिसको कहते हैं कि प्लांट्स को जो जो उसको अच्छा ढंग से ग्रोथ करने के लिए जो जो सुविधाएं हैं उसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे वर्मिंग कंपोस्ट है, उसके साथ ट्री गार्ड्स है और मिसेलेनियस जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस परिवार को दे रहे हैं।